ने खोला है एक सलून। अब इस सलून में वो लोगों के बालों की हजामत करता है, जेब की हजामत करता है या दिमाग की हजामत करता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कृष्णा एज सलून वाला, किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स एंड राजीव मेहरा एज अ किड। क्या देख रहे हो कि ऑडियंस में क्यों बैठा हूं? अरे अब जब मूवीन जैसों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी हम तो ऑडियंस में बैठेंगे ना भैया। मूवीन को स्टैंडिंग ओवेशन, मुझे मालूम है आपने मूवीन को स्टैंडिंग ओवेशन क्यों दी और मंत्रा को क्यों नहीं? क्यों? अरे भैया टीवी वाले ही होते हैं और रेडियो वाले रेडियो वाले ही। खैर आप लोग बता दूं, मैं एक बहुत बड़ा नाई हूं और मैंने यहां पर दुकान खोली। अर्चना जी मैं आपसे बहुत नाराज हूं। अरे पैसों की जरूरत होती है बता दिया करो, कैंची उठा के भागने की क्या जरूरत है? अरे आपसे अच्छे तो परमित जी हैं, इतने सारे ब्लेड हमको रोज देकर जाते हैं, कहते हैं आप ब्लेडों से अर्चना के नाखून नहीं करते, हमें कोयता लेना पड़ेगा। खैर बड़े बड़े लोग आते हैं, राजपाल आया था कहते मेरी कटिंग कर दो। मैंने कहा सर पहले इतना साहब और क्या कटिंग करेंगे तेरी है? हमारे दोस्त मकरंद वो भी आए थे, एक दिन बाल काटते गए तेंदुआ बाहर आ गया। मैंने कहा साले तू इधर बाहर क्या कर रहा है? कहते पीछे शेर आ रहा है। मैं भाग चला इधर। ये तो कुछ नहीं, शेखर सुमन जी भी इधर आते हैं, मैंने उनको पहले ही ना कर दी। नहीं नहीं कटिंग करवाने के लिए नहीं, मैं कॉमेडी सर्कस की बात कर रहा हूं। खैर मेन अनिल जी भी बहुत बड़ा है इधर, इतने सख्त बाल है, छह कैंचियां टूट गई मेरी सच्ची। फिर उनको ऐसा हमने लिटाया झकास। फिर वो जो ग्रास मशीन आती है ना वो डर करके ऐसा पूरा उनको एकदम सफा चेट कर दिया। इतने खुश हो गए ग्रास मशीन से, बल्कि मूली और टमाटर भी उग गए अभी उनकी छाती पे। खैर मेरी श्री देवी का टाइम हो गया है। आप लोग सोच रहे होंगे श्री देवी क्यों? क्योंकि बोनी का टाइम तो खत्म हो गया है। इतनी रात को ओवर एक्टिंग नहीं करती जरा। अच्छा देखिए मुझे अपने बेबी के बाल कटाने थे। अच्छा लेकिन मैं पेट के अंदर जाके काट नहीं सकता। बेबी यहाँ पर नहीं है, बेबी बाहर है, वो आ रहा है। तो फिर इसके अंदर क्या है? ये तो खाली है। तेरे को शर्म नहीं है? बंबई में इधर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं, खाली प्लॉट लेके घूम रही है तो। आप प्लीज जरा तमीज से बात कीजिए, मेरा बेबी आ रहा है, बस कहाँ रह गया पता नहीं। बेबी आ जाओ बुला। मम्मा 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 ये मेरा बेबी है। ये आपका बेबी है? ये डायपर यूज करते हैं क्या रजाई? ठीक है आप प्लीज तमीज से बात कीजिए, मेरे सारे बच्चों में से मेरा सबसे प्यारा बेबी यही है। सारे बच्चे? कितने सारे बच्चे हैं आपके? 9 हैं। अच्छा बाकी एक कहाँ है? एक मतलब 8 तो आप लेकर आई है। देखिए आप प्लीज मिसेस कीकू से इस तरह बात नहीं कर सकते। कीकू? आपके पति की चिक्की की दुकान कहाँ है? अरे पति को बोलो ढंग का नाम तो रख ले, सिंघालिया टाइप का कीकू ये नाम रखा हुआ है। इसे दो ही चीजें याद आती है, या तो चिक्की की दुकान होगी या मूंगफली की। आप हमारी मेहमान है, आपकी ज्यादा बेइज्जती नहीं करेंगे। लुल्लू। हेलो अंकल। क्या हाल है बेटा? बहुत बढ़िया। कुछ खाओगे? बड़ी भूख लगी है। अच्छा ऐसा करो मेरे लिए 4 प्लेट चिकन 4 प्लेट मटन 12 बिरयानी और 120 अंडे मंगवा दो। अच्छा काले आइसक्रीम तो भूल ही गया तू। अर्चना जी इसकी बातों को बुरा मत मानना, अमृतसर से जब ऐसे रेडी के बड़े बड़े लंबे काले बैंगल बेचने वालों को लाएंगे उनके और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? चार चार मुझे लॉलीपॉप खाना। लॉलीपॉप चाहिए? पहले बोलने का था। बेटा लॉलीपॉप। ओ लॉलीपॉप से याद आया, मुझे जरा किसी से मिलने जाना है, आप मेरे बेबी के बाल काट दीजिए, मैं 2 घंटे में आती हूँ। ओके बाय। मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे बेटा रोते नहीं, रोते नहीं बेटा, आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ ना बेटा, आओ बेटा, आओ ना, आओ
आओ बेटा, लगता है मुझसे डर गया। बेटा नहीं आएगा? आता हूँ। क्या बात, क्या बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक। बताओ कैसा हेयर कट करेंगे आपका अंकल? ऋतिक अंकल जैसा। ऋतिक अंकल? साले ऋतिक अंकल को पता चला ना, तू उनके जैसा हेयर कट कराता, मार मार के तेरे को राकेश रोशन बना देंगे। अंकल ये राकेश रोशन कौन है? राकेश रोशन कौन है? ये क्या कर रहा है? मुझे पता है, बच्चा बनो या बूढ़ा, थप्पड़ तो पड़ेंगे, अब मार। सालों ने मेरा नाम खराब करके रखा हुआ, मैं कभी किसी बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ क्या? बच्चे को थप्पड़? हाथ कटवाएगा मेरा? रुक जा। अभी तेरा हेयर कट होगा। ए, क्या सो रहा है बे? सोना नहीं, कैंची लग जाएगी। ए, बोला ना सोने का नहीं, कैंची लग जाएगी। रोते नहीं, रोते नहीं। अजय, ओ मेरा माया। अजय सुनो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जूनियर केजी। जूनियर केजी? साले तेरे को तो 100 केजी में होना चाहिए था। बेटा तुम छोटे होके क्या बनोगे? छोटे होके? अब और कितना बड़ा बनेगा? ओ मेरा लल्ला, रोने का नहीं, रोने का नहीं। क्या चाहिए लल्ला को? मुझे आइसक्रीम खा। आइसक्रीम में बेटा पहले जुए खा। ये मकरन छोड़ कर गया था इधर, खा। आइसक्रीम चाहिए लल्ला को। बहुत शौक था तेरे को कृष्णा के साथ एक्ट करने का ना। मुबारक हो। टकले बिन टकले, चल खा, कुजा बत्ती बुझा के सो जा, चल सटक ले गया। असलम भाई सब ठीक है, लेकिन हमारे डायरेक्टर को ऐसा गाली नहीं देने का। भाई तेरे डायरेक्टर को गाली किधर दिया बे? अभी बोला ना इन टकले बिन टकले, ऐसा नहीं बोलने का। हमारा डायरेक्टर है वो। अरे टकला है तो क्या हुआ, टकले को टकला बोलेगा तो बुरा लगता है। हर कोई तक टकला बिकला, टकला टकले को टकला ही बोलेगा। अबे जितनी बार तू अभी टकला बोला ना, अभी इधर वो बैठा नहीं होएगा, विक बनाने के लिए निकल गया होएगा अभी तक। मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा बोलने वाला ये कौन पैदा हो गया बे? अरे नहीं, वो क्या प्रॉब्लम हुई ना, इसकी माँ जब आई थी उसका डील डॉल बिल्कुल आपके जैसा था, इसलिए मम्मी मम्मी समझ रहे आपको। अच्छा क्या करने का असलम भाई अभी? कुछ क्या काम करेगा? अच्छा मस्त मेरे को फेशियल कर। क्या है कि परसों मेरे दादा का डेथ टुगेदर है, चुपचाप फेशियल कर मस्त एकदम, ठीक है? अच्छा। और एक बात याद रख, असलम भाई का चोटी को टच नहीं करने का। किधर है चोटी? दिखा। अच्छा अपना चोटी को हाथ नहीं लगाने का, चोटी अपना जिंदगी है, समझा ना? नहीं नहीं असलम भाई से। चल चल आराम से आओ आओ, आज आप भी मजा लो। कृष्णा के साथ एक्ट करना था ना आपको, ये लो। ये क्या कर रहा है? हाँ खाली इस तरफ क्यों लगाया, इस तरफ क्यों नहीं? सारे इतने एक्ट किए मालूम नहीं, उधर माइक लगा हुआ है। ककड़ी पकड़ के रखो टाइट। मैं अभी स्टीम मशीन लेकर आता हूँ, ठीक है बेटा? एक कमीने ने मेरे को बहुत मारा था, उसकी माँ की। अबे इधर कुछ किधर है? ए कुछ नहीं अंकल, अंकल अंकल बच्चों आप राम जी, मैं ना आपके पीछे कुछ लगा था, वो साफ कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इधर?
कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ क्या हो गया भाई, इतना हंस क्यों रहा है? अरे क्या हैंडसम लग रहे हो असलम भाई, क्या बात कर रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो। क्या बात कर रहे हो? अरे आईना दिखाना, आईना दिखाना। नहीं आईना क्या देखना, अरे दिखाना जरा, देख ले अपने आप को, कितना चिकना लग रहा है। एक मिनट, अब एक मिनट, ये देखिए, अपना हाथ हटाना जरा। अरे छोड़ो ना, अरे हाथ हटाना, अरे हाथ का क्या करो, अरे मेरी चोटी छोड़ना। अरे ये तूने असलम भाई का चोटी काट डाल। नहीं, तूने असलम भाई का चोटी काट डाला। अरे नहीं, मैं 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 नहीं नहीं, इसने काटा, इसने इसने काटा, इसने काटा, इसने काटा असलम भाई का चोटी। तेरी तो नहीं काटा। अबे खड़ा हो ना। मैंने भी काटा। बस तेरी टैटू। अरे ये इधर देख, सेम 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 सेम। इसका मतलब तू तू मेरा बेटा है। पापा पापा, इसने मुझे बहुत मारा, इसने मुझे ऐसे और हमारे साथ तेरे पास भी सेम टैटू। क्या मतलब तू भी? ये भी मेरे पापा। अबे ये मैं तेरा पापा नहीं, ये मेरा पापा बाबूजी। तो असलम भाई से कितनी गलतियां हो गई है यार। गलतियां, इसीलिए कहते हैं गलतियां इंसानों से होनी नहीं चाहिए। साले इतनी गलतियां करते तुम लोग, एक गलती की वजह से इंसान बाप बन सकता है बाप। इतना पैसा खर्चा करते हम लोग, बैंड स्टैंड जाते, नरीमन पॉइंट जाते, एक मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते तुम लोग। ये मेरा मैसेज है आप सब लोगों के लिए। सोहेल, क्या कहेंगे आप इस एक्ट के बारे में? राजीव, कीकू, अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली फैबुलस। वो जो धक्का मारने का, जो आपको रुकाने का, जो ऑसम गैग, वो ऑसम गैग था, सही में कमाल का एक्ट आप लोग दोनों ने किया। लेकिन इसका हाईलाइट जो था वो हमारा कृष्णा था। हमने जितने मजे लिए, हम ये देख रहे थे कि आप हमसे दो गुना मजे ले रहे थे, एंड यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ अनडाउटेडली। दिस इट्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सुहेल एंड फ्रॉम अर्चना। तो अर्चना, अब आपकी बारी। आपको ये जो स्पीडिंग बेबी ट्रेन का जो आपने गैग कहा, कैसा लगा आपको पूरा एक्ट? सम ब्रिलियंट गैग्स, सम ब्रिलियंट पंचेस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज, बहुत अच्छी तरह लिखा गया। लेकिन उससे भी कहीं बेहतर, कीकू और राजीव आपने तो परफॉर्म किया ही है, बट कृष्णा मेरे भाई, जिस टाइमिंग के साथ आप हर चीज करते हैं वो यूनिक है। यू आर ऑलवेज अ डार्लिंग, फैबुलस। तो जजेस, आपने स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही दिया है जैक को, अब जरा पॉइंट्स भी दे दीजिए। अर्चना, हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन लॉलीपॉप। वाह, 10 पॉइंट्स फ्रॉम बोथ आवर जजेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।